खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। यूपी में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यहां पर पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड के भी पार चला गया। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पारा 50 डिग्री को भी छू सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। सूरज आग बरसा रहा है, गर्मी जलाने को आ रही है। मई का अभी आधा महीना भी नहीं बीता है, अभी तो जून का आना बाकी है। गर्मी के ऐसे कड़े तेवर इससे पहले शायद ही कभी आपने देखे होंगे। उत्तर भारत समेत मध्य और दक्षिण भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। अब पारा रोज नए रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। उत्तर प्रदेश में गर्मी झुलसा रही है। आगरा में तो गर्मी ने नया कीर्तिमान बना डाला है। रविवार के दिन ताजनगरी में अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 50 साल के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार ऐसा मौका है जब मई के महीने में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में क्या तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा? झांसी की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, उसके थोड़ी ही देर में धरती तपने लगती है। सुबह 9 बजे बाहर निकलने पर ऐसा लगता है कि दोपहर का समय है। अभी से पारा इतना चढ़ गया है तो जरा सोचिए, अभी तो जून का आना बाकी है, तब लोगों का क्या हाल होगा। ज्यादातर इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार पहुँच चुका है। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, लेकिन ये भी नाकाफी हो रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गर्म हवा से लू लगने या हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सुबह 10 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। बहुत गर्म है और पानी वानी की भी समस्या है, काफी धूप है, टेम्परेचर बहुत है। तो क्या से लोग बच रहे हैं, क्या लोग खुद की व्यवस्थाओं से निर्भर हैं? खुद की है, पानी वानी की व्यवस्था रख रहे हैं, ORS वगैरह मिला के पी रहे हैं। उससे यह है कहीं ना कहीं थोड़ा डिहाइड्रेटेड नहीं हो, हाइड्रेटेड बने रहे हैं बस। तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। यूपी में अब दूसरे शहरों का हाल जान लेते हैं, कहां कितनी गर्मी पड़ रही है। गौतम बुद्ध नगर में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मथुरा में 44, तो वहीं मेरठ में भी पारा 44 डिग्री को छू रहा है। वाराणसी में भी 44 डिग्री के पार पहुँच गया है। अपने लिए पानी की बोतल की व्यवस्था की है और अपने लिए गमछा लेके चल रहे हैं, और जो भी अपना थोड़ा बहुत जो भी शासन के प्रशासन के द्वारा जो भी हमें थोड़ी बहुत चीजें वहाँ प्रोवाइड कराई गई हैं, उन्हीं से अपना काम चला रहे हैं। पूर्वांचल के 3 जिलों जौनपुर, आजमगढ़, मऊ में लू का रेड अलर्ट, तो वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन हीट वेव का प्रकोप रहेगा। रेड अलर्ट इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। धूप लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। पारा बढ़ने और तेज धूप की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जो काम से बाहर निकल रहे हैं वो गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। दोपहर के समय तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई देता है। अलीगढ़ में अस्पतालों में मरीजों की संख्या पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गई है। अगले 2 दिनों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।